जय मिथिला बुआ बुची। आज जो पढ़ेंगे एक नया चैप्टर स्टाफिंग नियुक्तिकरण। क्योंकि देखिए प्लानिंग तो कर लिया अपना लोग, क्या कि 1 महीना में 5 लाख रुपए कमाना है ये सोच लिए, मतलब प्लानिंग कर लिए, पढ़ चुके हैं ठीक ना। अब क्या हुआ बाबू, अब क्या हुआ, एक सेकेंड, प्लानिंग कर लिया हम बाबू, उसके लिए जो जो चीज़ का जरूरत पड़ा उसको हम ऑर्गेनाइजिंग भी कर लिए। मान लीजिए मशीन का जरूरत पड़ा, मशीन सब का ऑर्गेनाइज कर लिए, ये भी सोच लिए पटना में करना है कि दिल्ली, मतलब सब कुछ सोच विचार लिए और ऑर्गेनाइजिंग भी कर लिए। हाँ ये भी सोच लिए कि देखिए इसमें कितना कर्मचारी का जरूरत पड़ेगा, 4 आदमी लगेगा कि 5 लगेगा कि 6 लगेगा, हाँ इसका क्या क्या पद होगा, कहाँ से आदमी लगेगा, मतलब ये सब कुछ सोच लिए हुए हैं, प्लानिंग कर लिए, उसका ऑर्गेनाइजिंग कर लिए कि ऐसा ऐसा काम है, ऐसा ये करना पड़ेगा ठीक ना। ऑर्गेनाइजिंग में कर ले, मशीन ले आए, मशीन का जरूरत होगा तब ना मशीन से कुछ बनेगा सामान वामान, उसके बाद आपको रॉ मटेरियल वगैरह सब ले आए, मतलब जो चीज़ का जरूरत पड़ा ना वो चीज़ ले आए। अब जो है ले आएंगे सब कुछ रख देंगे, थोड़ा ना बिजनेस चलेगा भगवान के भरोसे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आदमी चलाएगा, किसी न किसी को रखना पड़ेगा ना काम पे, रखना पड़ेगा काम पे, हाँ तो उसी को बोलते हैं क्या करना है, रखना किसी को काम को क्या बोलते हैं, स्टाफ बोलते हैं ना कि ये मेरा स्टाफ है ठीक ना, ये मेरा क्या है स्टाफ है बाबू, उसी को बोलते हैं स्टाफ प्लस आईएनजी, मतलब स्टाफिंग। मतलब क्या आईएनजी किस में लगता है बाबू, जो चल रहा है, जैसे कि मतलब मैं खाना खा रहा हूँ आई एम ईटिंग, मैं जा रहा हूँ आई एम गोइंग, मतलब जा रहा है क्रिया, मतलब प्रोसेस होगा इसमें ठीक। स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब बाबू हिंदी में नियुक्तिकरण बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बाबू नियुक्तिकरण बोलते हैं। अब हम क्या कर लिए, सब कुछ सोच लिया हमको, 4 आदमी का जरूरत पड़ेगा, 4 आदमी की जरूरत पड़ेगा, उसके बाद जो है ना सब मशीन उसीन ले आए, जमीन वमीन खरीद लिए, प्लानिंग भी कर लिए, 1 महीना 5 लाख रुपये कमाना है, और सब कुछ छोड़ देंगे है भगवान के भरोसे चलते रहेगा, होगा नहीं ना। हमको क्या करना पड़ेगा, एक ना एक आदमी को अपॉइंट करना पड़ेगा, मतलब रखना पड़ेगा काम पे, एक आदमी दो आदमी जितना भी जरूरत होगा, मतलब उतना आदमी को रखना पड़ेगा, उसी प्रोसेस को बोलते हैं स्टाफिंग। आईएनजी लग गया मतलब क्या, एक से मतलब चल रहा है, चलते रहेगा प्रोसेस ठीक है। अब स्टाफिंग देखिए, आपको स्टाफिंग मतलब क्या हो गया बाबू, कि अपने काम पे किसी को भी रखना था स्टाफिंग, तब ना बोलते उसको स्टाफ आया है स्टाफ, इसको क्या बोलते हैं बाबू स्टाफिंग इज द प्रोसेस। प्रोसेस मतलब क्या होता है बाबू, 2 से 3 स्टेप हो इसमें, प्रोसेस ऐसे ही नहीं हुआ इधर आओ तो तुमको काम पर रख देते हैं, अच्छा तो तुम हो रमेश हो और काम पर, ऐसे नहीं होता है स्टाफिंग, क्या होता है इसमें कुछ प्रक्रिया रहता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ अपॉइंट द राइट पर्सन एट द राइट पोस्ट। सही बात याद रखेगा कि राइट पर्सन को राइट जॉब पोस्ट पे रखने के लिए, आप ऐसा ना हो कि वो जो है ना मजदूर है और उसको हम मालिक बना दिए, तो तुम ठेकेदारी करो, मजदूर था, गिट्टी बालू सबको मिलाता था, मसाला सबको माल बनाता था, हम उसको बोले कि घर बनाने के लिए, क्या होगा घर गिराइए देगा। मतलब राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखना के लिए क्या होता है, राइट पर्सन को राइट पोस्ट पे रखने के लिए प्रक्रिया क्या बोलते हैं स्टाफिंग, ये भी याद रखिएगा बाबू। नियुक्तिकरण से आशय क्या है, कि योग्य व्यक्ति को योग्य पद पे रखना, नियुक्त करना, नियुक्तिकरण कहलाता है। फीचर्स मतलब विशेषता बाबू, विशेषता क्या होता है, आपका विशेषता क्या होगा, कि जो आपके अंदर जो गुण होगा वही आपका विशेषता हो जाएगा। तो ये हम क्या बताए थे, 3 को फिक्स रहता है, पहला क्या प्लानिंग बोले, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सब हम क्या बोले हुए थे कि इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये याद रखेगा, ये सब में होगा, 3, 4, 5 में होगा। दूसरा आपको क्या रखेगा, इट इज परवेसिव, हर जगह पाया जाता है, सर्वव्यापक है, जैसे भगवान सर्व जगह पाया जाता है, उसी तरीके से स्टाफ का जरूरत हमको भी पड़ता है, अमेरिका में जो आदमी है उसको भी पड़ता है, मतलब हर जगह पाया जाता है स्टाफिंग। उसके बाद और आपको एक चीज़ बताया, इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब ये होता है सतत चलने वाली प्रक्रिया रहता है। अब एगो आदमी को स्टाफ पर रखे, वो आदमी छोड़ के चले गया था बिजनेस बंद कर देंगे, नहीं ना, हम दूसरे आदमी को रखेंगे, मतलब क्या है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो 3 तो फिक्स रहता है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है प्रोसेस में, ये 3 तो फिक्स रहता है बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चौथा हम क्या होता है कि ये जो रिलेटेड टू ह्यूमन बींग, सही बात है कि स्टाफिंग में क्या होता है, आपको प्लानिंग में ह्यूमन बींग को नहीं सोचने की जरूरत है, रिलेटेड रहता है, प्लानिंग सोच लेते हैं, रोबोट को भी रखेंगे, रोबोट वोट से भी काम कर लें, AI से भी काम कर लें, प्लानिंग मतलब कुछ भी हो सकता है, हम 5 करोड़ कमाएंगे, हम ये करेंगे, प्लानिंग कुछ हो सकता है, ऑर्गेनाइजिंग भी कुछ हो सकता है, जरूरत नहीं ऑर्गेनाइजिंग के लिए आदमियों को ऑर्गेनाइज करना पड़े, हम मशीन भी रख सकते हैं। लेकिन जब बात आएगा स्टाफिंग करने के लिए, स्टाफ में हम किसको रखते हैं, ह्यूमन बींग को ही रखते हैं बाबू, याद रखेगा इस बात को, ये स्टाफिंग किसका करता है, आदमी सबका ये स्टाफ पे रखते हैं। अब तो रोबोट सब भी आने लगा है जमाना में, लेकिन रोबोट भी एक तरह का जो स्टाफ मतलब ह्यूमन बींग की तरह ही काम करता है, जैसे कि कंपनी क्या है, कंपनी थोड़ी ना आपको मतलब इंसान है, लेकिन आपको ये आपको आर्टिफिशियल पर्सन है, बनाया गया पर्सन है, उसी तरह से वो भी आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि आदमी जैसा काम काज करता है, तो मनुष्य से संबंध रखता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, इफेक्ट ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये भी याद रखें, इसका फीचर्स में क्या रख देंगे बाबू, के
कि मतलब स्टाफिंग का जो है ना ये बिजनेस के अंदर भी प्रभाव पड़ता है, बाहर भी पड़ता है, अंदर क्या पड़ता है ये सबको तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी कि आपको प्रमोशन हो गया। स्टाफिंग मतलब क्या, ऐसा नहीं कि नया आदमी काम पर रखना, पुराना आदमी को भी आपको ट्रांसफर करना, आपको भी स्टाफिंग करते बाबू याद रखिएगा। कोई कमिश्नर रहता है बेस का डीजीपी बन जाता है तो वो क्या हो गया, क्या हो गया बाबू, प्रमोशन हुआ तो वो भी स्टाफिंग है कि एक अच्छा आदमी सही लगा हमको, काम काज अब संभाल सकता है, डीजीपी का पोस्ट उसको दे दो। एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड ट्रेनिंग कैंप, देखिए यहाँ पे ठीक। आंतरिक एवं बाह्य वातावरण का प्रभाव क्या होगा, आंतरिक वातावरण के अंतर्गत पदोन्नति हो गया, हस्तांतरण आती है, और बाह्य वातावरण के अंतर रोजगार कार्यालय प्रशिक्षण शिविर सब होता है। मतलब क्या हो गया, स्टाफिंग की में क्या होता है आपको प्रभाव पड़ते रहता है बाबू, इसका फीचर्स में आ जाता है क्या कि आप देखिएगा क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे वही बहुत ये अच्छी बात होगा। देखिए पूरा पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, लेकिन आप यहाँ पे ये समझिए सिर्फ कि इसके विशेषता में आपको इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी आता है। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब क्या हो गया कि प्रमोशन वगैरह जिसको करते तो उसको इंटरनल एनवायरनमेंट हो जाता है, मतलब अंदर बिजनेस के अंदर की बात हो गया। बिजनेस के बाहर में क्या होता है स्टाफ उस्टाफ के बारे में, तो बिजनेस के बाहर भी स्टाफिंग होता है। क्या पता है आपको क्या होता है कि बिजनेस के बाहर आपको जो है ना ये आप कहीं पे जॉब करेगा ना तो बोलेगा क्या, देखिए जॉब में तो रख लेंगे लेकिन 6 महीना आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप आइएगा। ये क्या हो गया कि आपको बिजनेस से बाहर काम सिखाया जाएगा, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तब आपका पदोन्नति हो गया, पद पे रखा देगा, राइट पर्सन आप तब मानिएगा। अर्थात क्या है कि इसका इफेक्ट जो है ना बिजनेस पे पड़ता है, और ये इसका विशेषता हो गया। क्या जो इसका विशेषता होता है वही उसका जो इसका गुण रहता है वही इसका विशेषता हो जाता है। तो स्टाफिंग का गुण में क्या आ जाता है कि इंटरनल एनवायरनमेंट में भी प्रभाव पड़ता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी प्रभाव पड़ता है। इम्पोर्टेंस भी बाबू कभी कभी पूछ देते रहते तो आपको तो याद तो करना जरूरी है इम्पोर्टेंस भी इसका, ठीक ना। इम्पोर्टेंस मतलब क्या हो गया, महत्व, महत्व मतलब क्या हो गया बाबू कि हम क्यों करते हैं स्टाफिंग, अब क्या जरूरत है स्टाफिंग करें, भाग यार हटाओ ये सब क्या करने का जरूरत है। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। तो क्या होता है इसमें कि अगर मान लीजिए कि स्टाफिंग करते ना बाबू, पहले बात आपकी जगह दूसरा आदमी काम कर सकता है, आप मालिक बन जाएगा। तीसरा बात रहता है क्या, दूसरा बात कि आप आपसे ज़्यादा अच्छा जानता होगा कोई, मान लीजिए कुरकुरे बनाने का फैक्ट्री है मेरे पास, कोई पहले से कुरकुरे बनाने आ रहा है, कुरकुरे बनाते, अगर हम उस आदमी को अपने जॉब पर रख लेंगे ना तो आदमी अच्छा से बनाने आता होगा उसको, और हम ही करने लगेंगे तो हमको सीखने में भी टाइम लग जाएगा। अर्थात क्या कि यूटिलाइजेशन का बढ़िया से इस्तेमाल होता है यहाँ पे, यूटिलाइजेशन जो हमारे पास रिसोर्सेज है, संसाधन जो हमारे पास सामान है उसका बढ़िया से इस्तेमाल होता है, ये तो है भाई। उसका क्या होता है कि इसमें महत्व ये है कि प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, सही बात, राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखना। और इसे क्यों करते हैं, क्योंकि ग्रोथ पे सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है बाबू, पता है ना सीईओ वगैरह जो बड़ा कंपनी का रहता है वैसे ही नहीं बेकूफ आदमी को रख लेता है, डायरेक्टर जो बनाता है ऐसे ही नहीं बना लेता है बाबू, वो आपको वो समझता है कि बोलता है क्या चलिए कोई दिक्कत, मुकेश अंबानी को बोलेगा अभी आप कितना कमा रहे हैं महीना का, 100 करोड़ ना, हमको रखिए 1000 करोड़ कर देंगे, बोले कैसे करोगे, तो वो बताएगा ऐसे नहीं से करेंगे, ऐसे ही नहीं रख लेगा कि चलो तुम पे विश्वास कर लेते ऐसे नहीं। तो ये क्या होता है बाबू, इट इफेक्ट ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस, ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस मतलब बिजनेस के इफेक्ट, स्टाफिंग करने से इसके ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन फाइलिंग द पोस्ट विद द कॉम्पिटेंट पर्सन, सही बात है। तो ये इसके विशेषता में महत्व में क्या रखेंगे, इसके आने से हमको जो है ना क्या क्यों हम स्टाफिंग करते हैं ये रखेंगे। स्टाफिंग करने से ये भी रहता है बाबू कि हम देखिए आप हर एक चीज़ फील्ड में अच्छा नहीं हो सकते, हम पढ़ाने में अच्छा हो सकते हैं, आप गेम खेलने में हो सकते हैं, आप दूसरा आदमी हो सकता है, नाचने में अच्छा हो सकता है, मतलब हर एक आदमी हर एक फील्ड में बेस्ट नहीं हो सकता। हाँ जानकारी हो सकता है दूसरा बात है, लेकिन बेस्ट नहीं हो सकता है। इसलिए हो सकता है होता है क्या कि बढ़िया बढ़िया आदमी को कॉम्पिटेंट पर्सन को रखना पड़ता है, वो कैसे होता है स्टाफिंग के थ्रू ही होता है बाबू, ठीक। इट हेल्प टू इंक्रीज द मॉरल ऑफ द एम्प्लॉयज, देखिए यह कर्मचारी के मनोबल बढ़ाने में सहायता करता है, सही बात। अगर मान लीजिए कोई आदमी नीचे स्तर पर काम करता है, बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, हमको हम 1 करोड़ कमाते थे, 100 करोड़ कमा के दिया था, हम क्या करेंगे उसको सीईओ बना देंगे,
ये होता है स्टाफिंग करने से। स्टाफिंग मतलब ये मत रखे बुआ कि बाहर आके आदमी को जॉब पर रख ले, ये दिमाग में मत रखे। स्टाफिंग मतलब ये रखे कि हम किसी को पद पे रख रहे हैं, अच्छा आदमी को अच्छे पद पर रख रहे हैं, ये स्टाफिंग है। भले ही वो हमारे अंदर का आदमी हो या बाहर का आदमी हो, डजंट कीप इट, ये दिमाग में रखेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट सब याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा बाबू, अपने आप दिमाग में आते रहेगा ये सब। ठीक, स्टाफिंग क्या कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगा बाबू, ऐसे नहीं हुआ कि हम उठे सुबह में भाई यार तुम आ जाओ बेटा आओ बिजनेस में रख लेंगे, ऐसा तो नहीं होता बाबू। उसमें क्या कर जाए, नियुक्तिकरण प्रक्रिया में क्या होता है कि कुछ ना कुछ प्रक्रिया होगा। क्या क्या प्रक्रिया होता है बाबू ये देख लेते हैं। पहला काम जो हम करते हैं, पहला काम क्या करते हैं, पहला बात तो हम ये कर देते हैं प्रचार उचार करवाते हैं, या फिर हम अपने कंपनी के बारे में बोलते हैं कि मेरे पास इतना सीट है। भले ही किसी के थ्रू बोले, आप मान लीजिए 10 आदमी को रखना है, हम किसे रमेश जी है, मुकेश जी है, नेहा जी बोलेगा ना, थोड़ा 10 आदमी होगा ना आप टच में तो दे दीजिएगा काम पे। मतलब उसको हम प्रचार उचार करवा दिए, मतलब ये बताया कि 10 आदमी को देने के लिए। उसके बाद सबसे बड़ा जो काम रहता है ना बाबू, आता तो है हजारों आदमी, हजार आदमी को रख लेंगे नहीं ना, उसमें सबसे बड़ा काम रहता है कि एस्टिमेटिंग द मैन पावर, मानव शक्ति आवश्यकता का आकलन करना कि हमको आखिर में कितना जरूरत है आदमी का। तो बिजनेस में क्या होता है, आपको एक रूल सिखाते हैं बाबू, आप लोग भी बिजनेस करिएगा ना, तो सबसे बड़ा जरूरत है ना स्टाफिंग का। आप बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ज़्यादा स्टाफिंग भी रख लिए तो आपका बिजनेस कैसे डाउन चले जाएगा पता ही नहीं चले। मतलब ज़्यादा स्टाफिंग रखना भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक रहता है बाबू, और कम रखना भी हानिकारक रहता है। इसलिए आपको जो HR सब रहता है, HR का काम ही रहता है ह्यूमन रिसोर्सेज का यही सब काम करना, ठीक ना बाबू। तो आप रख भी रखिएगा स्टाफिंग, HR जिसको रखेगा, जो स्टाफिंग करेगा, जो आदमी को रखेगा काम पे या फिर आदमी को पदोन्नति सब करेगा, वो अच्छा आदमी को रखेगा तभी आपका बिजनेस चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। स्टाफिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है बाबू बिजनेस में। तो पहले बात ये पता करना कि हमको 10 आदमी की जरूरत है, 10 आदमी की जरूरत, मान लीजिए 7 आदमी कर देगा तो 7 आदमी को रखेंगे ना। सबसे पहले तो ये देखिए मानव शक्ति आवश्यकता, कितना हमको आवश्यकता है, कितना हमको जरूरत है मानव का, वो उसका आकलन करें। उसके बाद क्या करें बाबू, रिक्रूटमेंट करें, भर्ती करना शुरू कर दें। भर्ती मतलब ऐसे नहीं करना कि हम क्या करेंगे आपको कि प्रचार विचार करवाएंगे, या फिर मान लीजिए कि ऑनलाइन कर देंगे, अपना ऐप पर दे देंगे, लिंक्डइन पे कर देंगे, फेसबुक के थ्रू ऐड करें, मतलब कहीं से भी हम क्या करेंगे रिक्रूटमेंट करेंगे, भर्ती करेंगे। भर्ती मतलब क्या होता है बाबू, भर्ती सबको किया जाता है ये याद रखेगा। भर्ती मतलब क्या, फॉर्म भरना। सरकारी नौकरी में आप फॉर्म कोई भी आदमी भर सकता है, सिर्फ 12th पास रहना या 10th ये सब रहना चाहिए, बाकी कोई भी भर सकता है। उसी हिसाब से रिक्रूटमेंट में भी हम बोल देंगे 12th पास है जो जो फॉर्म भर दो मेरे कंपनी में आ जाओ। तो मतलब रिक्रूटमेंट कोई भी कर सकता है, भर्ती कोई भी, मतलब भर्ती के लिए कोई भी फॉर्म भर सकता है, ये भी एक प्रक्रिया है। लेकिन हम आपको चयन सबको नहीं कर लेंगे बाबू, सेलेक्शन सबको नहीं कर लेंगे भाई। आप ये बताए फॉर्म जो सरकारी नौकरी में सबको भरता है तो क्या जॉब जो है सबको दे देता है, इंटरव्यू सबका पास आउट हो जाता है, सेलेक्शन सबका हो जाता है, मेरिट लिस्ट में नाम सबका आ जाता है? नहीं, वही बात है, हम भी सिलेक्शन सबका नहीं करेंगे बाबू, कुछ आदमी का रिक्रूटमेंट करेंगे। हाँ, तुम 12th पास आओ, तुम भी 12th पास आओ, है मंगला चंगला जंगला जो है सबको हम रख लेंगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं करेंगे बाबू। उसके बाद क्या होगा बाबू, अच्छा ठीक है, कुछ तुम बढ़िया आदमी हो, हाँ विनोद ठीक आदमी है, देखो 12th पास है, काम भी क्या हुआ, अच्छा काम करेगा, हम उसका क्या कर देंगे बाबू, प्लेसमेंट कर दे, मतलब कि 100% सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तुमको जो है ना मिनिस्टर CEO बना देते हैं, तुमको डायरेक्टर बना देते हैं, तुमको सुपरवाइजर बना देते, जो भी पोस्ट होगा उसके हिसाब से उसको हम क्या कर देंगे, प्लेसमेंट कर देंगे बाबू, इसका इस पद पर तुम जो है ना अनुष्ठान हो जाओ, कार्यपत्र लगाना हो, जिसको प्लेसमेंट हिंदी होता है कार्य पर लगाना, हिंदी में नहीं, हिंदी समझ में आ जाएगा, कार्य पर लगा दे कि तुम्हारा ये काम है। प्लेसमेंट करना मतलब ये होगा कार्य पर लगाना। अब जो कार्य पर लगा देंगे बाबू, तो दो काम यहाँ पे आता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है बाबू, पहले से सिखाया है तो थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं होता, लेकिन आपको नहीं सिखाया है तो हम उसको क्या करेंगे, काम सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट करेंगे बुआ उसका। उसके बाद प्लेसमेंट तो कर दे, चलो तुमको सुपरवाइजर के पोस्ट पे दे दी, फिर हम उसको बताना पड़ेगा 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन, देखो ये जो लड़का है ना अच्छा से काम नहीं करता, उस पर ज़्यादा ध्यान देना, और देखो ये जो अगल बगल का है तुमको ये भी करना, अगर कोई सामान नहीं पहुँचाया तो तुमसे ही हम पूछेंगे बाबू देख लो। हाँ यही बात याद रखिएगा, उसको ट्रेनिंग भी दिया जाता है बाबू। उसके बाद प्लेसमेंट कर दिया, तुमको इस पोस्ट पर जाना, उसका ट्रेनिंग दे दो। उसके बाद लास्ट में क्या होता है बाबू कि हम उसका क्या करते हैं देते हैं, स्टाफिंग के अंदर ही आता है बाबू क्या कि परफॉर्मेंस अप्रेजल, निष्पादन मूल्यांकन। अब हम उसको काम पे दीदी काम सिखा दिए, काम कर रहे हैं हम 6 महीना बाद क्या बोले उसका देखते कैसा काम कर रहा है,
बोला हुआ था हम सीईओ बना दिए इसको जी, बोला हुआ था 6 महीना में 1 करोड़ से हम 100 करोड़ कर देंगे, देखते अभी किया है कि नहीं। उसको क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब निष्पादन मूल्यांकन करना। इसका अर्थ यह है कि यह मापना करना कि दी गई काम पूरा हुआ है नहीं, हम जो उसको काम दिए थे 100 करोड़ का सेल करने के लिए वो कर पाया कि नहीं, ठीक ना। तो यही बाबू है कि उसमें कैसे पता चलेगा, अगर मान लीजिए सही काम करता है तो हम उसका क्या कर दो प्रमोशन है यार, अच्छा आदमी प्रमोशन कर दो या ट्रांसफर कर दो, कहाँ गलत काम करेगा बता क्या। हर एक पहला काम क्या करेंगे कि कितना आदमी का जरूरत है ह्यूमन रिसोर्सेज का पता करें, दूसरा बात बोलेंगे फॉर्म भरने के लिए रिक्रूटमेंट करेंगे भर्ती, तीसरा काम क्या करेंगे उसका सिलेक्शन करेंगे बाबू, चौथा काम उसका जो काम पे लगा देंगे, पांचवा काम क्या करेंगे ट्रेनिंग करेंगे, छठा काम देखेंगे काम कर रहा है कि नहीं, जो बोला हुआ तो क्या कि नहीं, नहीं दिया था हटाओ यहाँ जो निकालो ठीक। अब एक चीज आपको जो पढ़ने आया जरूरत है बाबू, एक चीज क्या आपको सब कुछ पढ़ना है इस प्रोसेस में, वो रिक्रूटमेंट सबसे ज्यादा पूछते रहता है भर्ती क्या है। तो भर्ती पॉजिटिव, भर्ती मतलब क्या हो गया फॉर्म भरना यार, सरकारी नौकरी का है फॉर्म, 12th पास है तुम भी भरो, तुम भी भरो। तो रिक्रूटमेंट भी वही है, अर्थात क्या द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इंक्लूड द सर्च ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड इनकरेज देम टू सेंड देयर एप्लीकेशन टू द एंटरप्राइज। मतलब क्या भर्ती क्या होता है बाबू कि भर्ती में कंपनी को क्या बोलता है कि पहले ये पता करो कि 12th पास कौन कौन है, और 12th पास के लिए कहाँ कहाँ प्रचार कर पाएंगे, हाँ टीवी पे प्रचार करेंगे या मुकेश सॉरी मतलब मलाइका अरोड़ा को रखेंगे या इंस्टाग्राम पे प्रचार करेंगे या न्यूज़पेपर में देंगे या लिंक्डइन में दे, मतलब वो कंपनी का काम है। पहला काम ये करना क्या कि कहाँ कहाँ से इम्प्लॉय जा सकते हैं इसका बारे में पता करना, उसके बाद उसको इंकरेज कर ठीक है बाबू आओ तुमको इतना पैसा देंगे आओ। ये काम रिक्रूटमेंट मतलब ऐसे ही होता है, आप जैसे सरकारी नौकरी का फॉर्म भरिएगा तो आपको यहाँ पे लिखा रहता है 12th पास होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट लगेगा, इतना इतना सैलरी मिलेगा, हाँ यहाँ ये आप जॉब कर सकते हैं, ये पद है, उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट करना। रिक्रूटमेंट का काम क्या हो गया बाबू भर्ती में आपको बताना कि देखो बाबू मेरे यहाँ काम करो इतना पैसा देंगे इतना ये करेंगे ये करेंगे, रिक्रूटमेंट का काम ये है। रिक्रूटमेंट काम क्या है कि आपको बताना कि ये काम है और फॉर्म भराना जैसे हो ठीक भर्ती। अच्छा रिक्रूटमेंट कहाँ कहाँ से कर सकते बाबू, एक होता है इंटरनल एगो एक्सटर्नल, इंटरनल नाम इस पर चलता है रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती करना मतलब क्या काम पे हम लगा रहे हैं, इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर से, बिजनेस के अंदर से क्या हो जाएगा हम ट्रांसफर कर देंगे या प्रमोशन करेंगे, इंटरनल रिक्रूटमेंट करेंगे ट्रांसफर कर देंगे या प्रमोशन करेंगे, अच्छा तुम ये आपको डायरेक्टर हो चलो सीईओ बना देते, तो क्या हो गया बाबू इंटरनल रिक्रूटमेंट उसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको रिक्रूटमेंट नहीं इंटरनल मतलब क्या अपने ही आदमी को बिजनेस का अंदर है उसके बारे में जानते हैं कि बढ़िया आदमी है ना, हाँ इसको थोड़ा पद बढ़ा देते हैं। इसमें यह होता है कि खर्चा भी नहीं लगा कि प्रचार करवाएंगे दूसरे आदमी को लाएंगे उसके बाद उसको ट्रेनिंग देंगे उसका इंटरव्यू लेंगे, ये सब काम का टेंशन खत्म हो गया, मतलब इकोनॉमिक है सस्ती है, अपना आदमी था देखे बढ़िया काम कर रहा है उसका प्रमोशन कर दिए, इजी प्रोसेस है बहुत ज़्यादा आसान है, अच्छा ये आदमी सही है इसको ट्रांसफर कर दो या सॉरी प्रमोशन कर दो। लिमिटेशन ऑफ इंटरनल सोर्स क्या होता है बाबू कि इसके कुछ ना कुछ खामियां भी है क्या कि बहुत ज़्यादा दिक्कत का क्या रहता है कि नया नया एम्प्लॉय नहीं आ पाता, नया नया विचार नहीं आ पाता, नया नया काम नहीं करने की शक्ति नहीं आ पाता है। हम बोलते हैं तो ये सही तो है काम तो कर रहा है लेकिन इससे भी बढ़िया काम कर सकता है कोई दूसरा आदमी, लेकिन हम दूसरा आदमी को चांस देते ही नहीं है, तो ये इसका बहुत बड़ा खामियां हो गया बाबू यहाँ पे। दूसरा आपको खामियां क्या हो गया इसका बहुत बड़ा खराबी होता है कि अपने ही आदमी को प्रमोशन अपने ही आदमी को आगे बढ़ाने में खामियां क्या होता है बुराई क्या होता रहता है कि यंग ब्लड को आने में बहुत ज़्यादा ये हो जाते रहता है कि नया नया आदमी है नया नया जोश नया नया जवान जो रहता है उसको आने में दिक्कत हो जाते रहता है, ये भी इसका बहुत बड़ा खामियां है। और यहाँ पे हमको लिमिटेड चॉइस रहता है कि हम मुकेश को रखें इस पद पे कि क्रिश को रखें कि आपको रमेश को रखें या नरेश को रखें राजन को रखें साधन मतलब जो भी है हम इतना ही आदमी को रख सकते हैं, मतलब लिमिटेड चॉइस है इसका, ये भी इसका बहुत ज़्यादा खामी है। ये नहीं है 5 लाख आदमी भर देगा, नहीं 5 लाख आदमी नहीं भरता। अब बताइए प्रमोशन जो होता है किसी का उसमें आपको लिमिटेड रहता है कि 2 आदमी 3 आदमी या 10 आदमी उसका प्रमोशन होगा, लेकिन आपको कोई फॉर्म भरने के लिए बोलेगा सरकारी नौकरी के 2 लाख फॉर्म रहेगा 10 लाख आदमी बैठेगा उस पर। एक्सटर्नल सोर्स वही है आपका, एक्सटर्नल सोर्स मतलब क्या बाहर के आदमी को कैंडिडेट को क्या करना बाह्य भर्ती करना उसको एक्सटर्नल सोर्स होता है, बाहर आदमी को मतलब इसमें होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया जैसे क्योंकि डायरेक्ट तुमको नौकरी पर रख लेंगे, जैसे हो गया ना आपको गार्ड वार्ड का नौकरी डायरेक्ट रख लेगा आपको, मीडिया एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन माध्यम हो गया कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया कैंपस भर्ती हो गया डायरेक्ट।
एडवांटेज इसका क्या होता है बाबू कि फ्रेश टैलेंट होता है। अब जो नया आदमी को रखेंगे तो नवीन गुण आएगा, नया नया चीज़ें आएगा, सीखने को मिलेगा। और हमारे पास एक आदमी दो आदमी को चुना नहीं जाता, बहुत सारे आदमी। अब 50-10 लाख आदमी फॉर्म भरा ना, उसमें से सबसे बढ़िया जो 2 लाख का उसी को रखेंगे, मतलब क्या होगा, वाइडर चॉइस रहता है बाबू इसमें। इसका कुछ ना कुछ अवगुण भी है, बहुत ज़्यादा बुराई भी है। क्या? बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है। लेंदी प्रोसेस क्यों है बाबू? पहले फॉर्म निकाल लो, उसको बताओ, अप्लाई करेगा, फॉर्म भरेगा, रिटेन देगा, ओरल देगा, एग्जाम देगा, ट्रेनिंग करेगा, तब जॉब, मतलब सालों लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस ऐसे। अरे तो इंटरनल में क्या, जिसको आदमी को हम बिजनेस में जान रहे हैं, ये अच्छा आदमी है, जाओ तुम प्रमोशन करो। इट इज कॉस्टलीस्ट प्रोसेस। सॉरी, यहाँ पे नोट होगा कि ये महंगी प्रक्रिया है। डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। हाँ, आप देखिए, नया आदमी को रख लेंगे तो यहाँ पे ये भी दिक्कत आ जाता है कि पुराना आदमी बोलेगा देखो हम हर साल काम किए लेकिन हमको प्रमोशन नहीं किया, हमको नहीं रखा, लेकिन देखिए नया आदमी को रख रहा है। थोड़ा जो ना आपसी मेल मिलाव थोड़ा कमजोर हो जाता है ये आपको करने से, ठीक ना। सिलेक्शन बाबू, देखिए बाबू सिलेक्शन, देखिए बाबू क्या होता है, सिलेक्शन देख लेते बाबू क्या है कि चयन क्या होता है। हाँ, सिलेक्शन आपको बोले ना कि हम रिक्रूटमेंट 1000-10 लाख आदमी फॉर्म भर सकते हैं लेकिन सेलेक्ट करेंगे उसी को जो एलिजिबल होगा। तो सेलेक्ट कैसे करते हैं ये आपको समझने वाला बात होता है कि पहले बात तो एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसमें से हम उसका स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कि रेज्यूमे भर दिए कंपनी में, कि जैसे मान लीजिए 12th पास है, ये भर दिए हम यहाँ काम करें, हम तो चेक करेंगे 12th सही पास है कि नहीं, फर्जी फॉर्म नहीं भर दिए हैं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसमें। रेज्यूमे आप भर रहे हैं तो उस रेज्यूमे हम देखेंगे ना कि आपको सही है कि नहीं, उसके बाद उसका क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, हाँ नहीं आदमी सही है, उसके बाद उसका रेफरेंस चेक करेंगे किसके थ्रू आया है, कहाँ पर पढ़ा हुआ है क्या नहीं, मतलब कहाँ काम किया, मतलब रेफरेंस वगैरह सब, उसका खानदान उमदान या जो भी रहता है, जैसा कंपनी सब रहता है। जैसे मान लीजिए कि खानदान उमदान चेक किस में किया जाता है, जो SPG सबका कमांडो उमांडो रहता है उसमें खानदान सब रेफरेंस सब चेक किया जाता है। उसके बाद डिसीजन लेते बाबू। सिलेक्शन में क्या होता है बाबू, सिलेक्शन को निगेटिव प्रोसेस भी होता है बोला जाता है। क्यों? क्योंकि रिक्रूटमेंट में 2 लाख फॉर्म था, 10 लाख आदमी भर लिया, 10 लाख आदमी का फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया, उसको रिक्रूटमेंट कहा जाता है। लेकिन सिलेक्शन क्या होता है, हम 10 लाख में से 2 लाख आदमी को देंगे, इसलिए ये निगेटिव प्रोसेस है। निगेटिव मतलब क्या, छाटना वाली प्रोसेस हो गया, ठीक। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी पूछ देते रहते बाबू। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, ट्रेनिंग का परिभाषा याद रखिएगा आपको। ट्रेनिंग इज टेक्निक, याद रखिएगा, टू इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय। ट्रेनिंग के द्वारा क्या होता है बाबू, किसी भी व्यक्ति को क्या होता है, या किसी भी कर्मचारी के ज्ञान, कुशलता, योग्यता, व्यक्तिगतता में वृद्धि करता है। कि अच्छा ये काम नहीं सीखा है, इसको ट्रेनिंग दो, ये काम सीख जाएगा। ये क्या होता है, ट्रेनिंग में आपको दिमाग उसका बढ़ता है, ठीक ना बाबू, शिक्षित करते हैं हम ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग क्यों करते हैं बाबू, हटाओ ये आदमी को रख लो, बस बात करते हैं, 12th पास है रख लो, ट्रेनिंग क्यों करते हैं? इसके पीछे रीजन है क्या, कि अब जो बंदा कुछ नहीं काम सीखा हुआ था उसके प्रोडक्टिविटी में हो जाएगा, मतलब क्या, यह कर्मचारी के ज्ञान और कार्यकुशलता में वृद्धि कर देती है। जो काम 5 घंटा में करता था वो 5 मिनट में कर देगा, ट्रेनिंग दिए ना। इट इंक्रीज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, सबसे बढ़िया तरीके से वो इस्तेमाल करेगा अगर हम उसको ट्रेनिंग दिए हैं तो, नहीं तो बोलेगा हाँ यार जाने दो ना, ट्रेनिंग देने से ये फायदा होता है। इट रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम समय की बर्बादी कम होता है। बोले ना 5 घंटा का काम 5 मिनट में कर लेगा वो, क्योंकि हम ट्रेनिंग दिए उसको, काम उस सिखाए हैं तब वो कर रहा है, वैसे नहीं कर रहा है 6 महीना 1 साल उसको सिखाए हैं बाबू। इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, इससे पर्यवेक्षण लागत में कमी आती है, सही बात है, सुपरविजन में कमी आती है कि अगर ट्रेनिंग कर दिए ना तो हम उसको सिखाना नहीं पड़ेगा बाबू, ये मशीन को ऐसे चलाओ या ऐसे करो, ऐसा काम नहीं है, सुपरविजन का काम खत्म, ट्रेनिंग करके आया है उसको जॉब पे रख लो, बात खत्म। तो ये आपको क्या होता है, सुपरविजन का भी कॉस्ट, मतलब सुपरविजन मतलब एक आदमी जो देखभाल नहीं करते रहता है उसका, वो आप देखभाल करने वाला नहीं है क्योंकि बोलता है क्योंकि उसको सिखाए हुए हैं। इट रिड्यूस एक्सीडेंट रेट, सही बात है, यह दुर्घटना में कमी लाती है, मतलब क्या, आप मान लीजिए कोई आदमी गोली चलाने नहीं आता है, उसको बोलेंगे जाओ लड़ने के लिए, क्या अपने गोली मार लेगा या अपने साथी को ही मार देगा? तो लेकिन अगर हम उसको ट्रेनिंग दिए रहेंगे बाबू तो उसका गोली चलाने के एक्सीडेंट रेट कम होगा, ठीक ना बाबू। ये होता है आपको ट्रेनिंग करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, इंपॉर्टेंस पूछते रहता है आपको, तो याद करने का जो होता है, ट्रेनिंग करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है बाबू, इसलिए हम ट्रेनिंग करते हैं। बेकू आदमी थोड़ी ना कि ट्रेनिंग करके जॉब पे रखता है। मेथड ऑफ ट्रेनिंग बाबू क्या है, देखिए कितने तरह का ट्रेनिंग कर सकते हैं। पहला तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग नाम पता चलता है, कार्य पर प्रशिक्षण, एक तो रहता है कि काम क्या कर रहा है उसी पर उसको सिखा दो, बात खत्म।
दूसरा था ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, अच्छा काम कर रहा है उससे बाहर उसको सीख के आना पड़ेगा, या फिर अपना ही कंपनी होगा, बोले कंपनी में अभी तक तुमको घुसने नहीं देंगे जब तक तुम एक महीना दो महीना काम नहीं करेगा, ठीक। उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है बाबू, कि लर्निंग और अर्निंग एक साथ होता है, कि चलो तुम काम कर रहे हो तुमको 5,000 रुपया भी देंगे और तुम काम भी सिखा देंगे तुमको और काम भी करना होगा। हाँ, काम जब सीख जाओगे एक महीना दो महीना छः महीना बाद तो तुमको पैसा 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 तुमको दे देंगे, लेकिन अभी तुमको इतना ही देंगे, मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, अभी तुमको ट्रेनिंग चल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत नौकरी का थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं तो पैसा भी तुमको दे देंगे। उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है बाबू, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो होता है, मतलब शिक्षार्थी प्रशिक्षण, मतलब साथ में सीखो वाला जो रहता है उसमें याद आता है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होता है बाबू, आप सीए का नाम सुने होंगे, सीए में क्या होता है पता है, कि 6 महीना आपको ना मतलब कि इंटर्नशिप करना पड़ेगा, कितनों आप पढ़े हैं लिखे हैं कुछ कर रहे हैं डजन की प्रिंटर, आपको 6 महीना जो है ना आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा, किसी फर्म में जाकर कंपनी में जाकर एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो उसी को बोलते हैं टेक्नोलॉजी थ्योरी रूल वगैरह से प्रैक्टिस, मतलब समझे ना आपको, सीए ऐसा कोर्स है जिसमें आपको आपको क्या होता है कि पढ़ना भी पड़ता है, बाद में उसको काम भी करना पड़ता है, उसको बोलते हैं इंटर्नशिप करना, इंटर्नशिप ट्रेनिंग करना। तो आप तो हर एक चीज़ में हो गया है, जर्नलिज्म की बात करें, एमबीए का हो गया कि आपको पढ़ाई भी हो रहा है और एक दो महीना के लिए आपको जो है ना कंपनी वंपनी में भेजेगा कि काम काज करो, उसको बोलते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग, सीखोगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग उसको बोलते हैं, ठीक। जॉब रोटेशन भी हो गया इसी के अंदर, कार्य परिवर्तन, एक काम से दूसरे काम पर रखना कि ये काम कर रहा है इसके बाद ये काम करो ये करो, ये भी हो गया ऑन द जॉब ही ट्रेनिंग, ठीक ना। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब क्या, कार्य से बाहर प्रशिक्षण क्या होता है, वेस्टिबल ट्रेनिंग बोलिए, मतलब क्या प्रकोष्ठशाले प्रशिक्षण, मतलब क्या प्रशिक्षण केंद्र बना दिए कि तुम पटना में रह रहे हो, पटना के अलावा यहाँ पर हमारा ही एक कंपनी है, तुम वहाँ पे सीखना पड़ेगा तुमको 6 महीना, तब तुम आ सकते हो। एक होता है तुमको कंपनी ही सिखा देगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, नहीं तो एक क्या रहता है आपको बाहर से सीख के आना पड़ता है, तो उसको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। उसमें क्या होता है प्रकोष्ठशाले एक प्रशिक्षण एक स्कूल बनाया रहता है जिसमें आपको सीखना पड़ता है, या फिर आपको मान लीजिए कि फिल्म के माध्यम से भी आपको सिखा दिया जाता है, आप तो ऑनलाइन हो गया, वीडियो के माध्यम से भी सिखा देता है या केस स्टडी के माध्यम से भी सिखा देता है, उसको भी बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तुमको ट्रेनिंग पे नहीं रखा, तुमको एक महीना का कोर्स है, एक महीना के अंदर तुम ऑनलाइन कर लो, तुम ये सीख जाओगे, मतलब कैसे भी वाद के घर के अगर बिजनेस के अंदर सिखाएंगे तो उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अब बाहर सिखाएंगे तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक बाबू, ये याद रखिएगा बस, इससे ज़्यादा नहीं आपको याद करना। हाँ, डेवलपमेंट का परिभाषा कभी कभी पूछ देते रहता है, याद रखिएगा, इट रेफर्स टू ए प्रोसेस टू डेवलप स्किल नेसेसरी फॉर फ्यूचर एनालिसिस, मतलब क्या डेवलपमेंट तो मतलब डेवलप से आया है, डेवलप के बारे में याद रखेंगे। इसका अभिप्राय ऐसी प्रक्रिया से जिसके अंतर्गत कर्मचारी को वर्तमान तथा भविष्य दोनों ही प्रकार से जिम्मेदारी को कार्य कुशलता से पूर्ण करने के लिए तैयार किया जाता है इसमें, ठीक ना बाबू, याद रखें कि तुम पढ़ रहे हो लिख रहे हो या तुम काम कर रहे हो लेकिन बढ़िया से काम नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, तुम्हारा स्किल बढ़ा दिया जाता है। अब तुम मान लो काम कर रहे हो लेकिन तुमको लैपटॉप चलाने नहीं आता कंप्यूटर, तो तुमको बोलता है क्या एक महीना का कोर्स है ये कर लो या फिर टाइपिंग वाइपिंग सीख लो बाबू, ये क्या होता है डेवलपमेंट आ जाता है उसके अंदर, ठीक। इतना याद करना, उससे ज़्यादा आपको याद करने का जो होते हैं, फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए, यहाँ तक पहुँच गए तो कमेंट में जय मिथिला जय बिहार जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।